हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मशरूम का झोपड़ा, जिसमें कि हमारे पास एक कड़कनाथ थे। अब इसमें मशरूम हम रखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम ले जाते हैं। ये है, हमने मशरूम के लिए बनाया है इसको। आप देख सकते हैं इसकी हाइट दोस्तों लगभग 6 फीट के आसपास है। ये आप देख सकते हैं ज़मीन से। और यहाँ पे हमने मशरूम के पॉलीथीन बैग रखने के लिए रैक बना लिया है। और इस रैक की हाइट लगभग दोस्तों 3 फीट के आसपास है। ये देख सकते हैं ऐसे 3 फीट के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे काम करने में हमको काफ़ी आसानी होगी, जिसमें कि हम पॉलीथीन बैग यहाँ पे रख सकते हैं। मशरूम तोड़ने में, मशरूम के पॉलीथीन बैग में पानी डालने में हमको सुविधा होगी, इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ज़्यादा है इसकी। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर बैम्बू का इस्तेमाल करके ऊपर बैम्बू को 2 हिस्से करके यहाँ पे हमने डाला हुआ है। और हमने कहीं कहीं पे कील ठोके हुए हैं, उसके बाद कहीं कहीं पे गैप किया हुआ है। और नीचे हमारी जाली थी, जिसमें हमने पहले वाइट पॉलीथीन लगाई थी ताकि अंदर धूप आए, लेकिन अब हमको धूप नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैक पॉलीथीन लगा ली है। आप यहाँ देख सकते हैं, और इस तरफ पर अभी खुला हुआ है, इस तरफ पर हम अभी ब्लैक पॉलीथीन लगाएंगे। तो ये है हमारा 2 क्विंटल मशरूम के लिए छोटा सा फार्म। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट पे। तो आप भी अपने घर पर मशरूम की खेती कर सकते हैं। हम 1-2 दिन के अंदर इसमें मशरूम के कंपोस्ट को इसमें ला के यहाँ पर डाल देंगे। उसके भी हम आपको अपडेट वीडियो दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल में आपको दिखा देंगे। वीडियो संबंधी कोई भी सवाल सुझाव के लिए हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।